फोबिया आखिर होता क्यों है? आपका टेम्परामेंट क्या है, आप कितने नेगेटिव हो, कितने सेंसिटिव हो, कितने अपने आप को बचाने का आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, आपका गोल रहता है, जितना ज़्यादा ये रहेगा उतना ज़्यादा रिस्क आपको रहेगा ये फोबिया के आने का। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है, मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 25 सालों से हम लोग 100 से ज़्यादा बीमारी पे रिसर्च कर रहे हैं जिसे मेंटल इलनेस कहते हैं और जिसे हम बगैर दवाई के ठीक करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। आज हम बात करेंगे फोबियाज की। फोबिया का मतलब होता है एक्सट्रीम फियर, इरेशनल फियर, इलॉजिकल फियर। ये फियर ज़्यादातर कोई सिचुएशन का भी होता है, कोई जीव जंतु का भी होता है, कोई जगह का भी होता है और कोई ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। ये बेसिकली एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, ये बेसिकली बेचैनी की बीमारी है, बेचैनी और घबराहट की बीमारी है। ये ऐसे लोग हमेशा जहाँ भी उनको खतरा दिखता है वैसी सिचुएशन को ये लोग अवॉइड करेंगे। और जिसको फोबियाज होता है उसको बहुत सी एरिया में खाली खतरे खतरे और चुनौती चुनौती दिखती है। हमने एक बहुत ही अच्छा ट्रांसपेरेंट टेस्ट डेवलप किया है जिसका नाम हमने माइंड मैपिंग रखा है। इसमें 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं और ये फोबियाज की बुनियादी कारणों को ढूंढता है और ये सब बुनियादी कारणों को हम लोग ठीक करते हैं और अब ये फोबियाज 100% ठीक होते हैं और इसको ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। मिनिमम 10 दिन और मैक्सिमम 1 महीने में कितना भी पुराना फोबिया हो वो जा सकता है। फोबिया का मतलब होता है कि इरेशनल फियर है, ऐसी चीज़ के बारे में जो कभी होने ही नहीं वाला मगर आदमी बोलता है हो गया तो, और अपने आप को फ्रीज कर लेता है, लाइफ को आगे मूव करने से रोक लेता है। अगर आप फोबिया के पेशेंट्स हैं या आपके फैमिली में आपको लगता है किसी को भी इरेशनल फियर है, इलॉजिकल फियर है, तो उसको जल्दी जल्दी लेके आना चाहिए क्योंकि जितना जल्दी आता है उतना जल्दी ट्रीटमेंट होता है और जितना लेट करते हैं उतना समय ज़्यादा लगता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ज़्यादातर फोबियाज क्या चीज़ के रहते हैं। सबसे पहला है पब्लिक स्पीकिंग का, लोगों से मिलने का, लोगों से बात करने का। किसी किसी को खुली खुली जगह पे भी घबराहट होती है कि, और मेजॉरिटी लोगों को बंद जगह पे तो घबराहट होती है। अंधेरे से बहुत डर लगता है, फ्लाई करने से बहुत लोगों को डर लगता है, कईयों को ड्राइविंग से भी डर लगता है, किसी किसी को जानवर इंसेक्ट से भी डर लगता है, छिपकली से भी कईयों को डर लगता है, कईयों को बिल्ली से कुत्ते का भी फोबिया होता है। हाइट का तो फोबिया बहुत ही कॉमन है, ब्रिजेस का, टनल्स का, एस्केलेटर का, लिफ्ट का, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसके फोबियाज होते हैं। अब इसके कारणों में जाते हैं कि फोबिया आखिर होता क्यों है। अभी इसके 2-3 मिथ है। पहला मिथ है कि ये जेनेटिक है, यानी अगर मेरे माँ बाप को अगर फोबिया है तो मेरे को होएगा है, ये सरासर झूठ है। दूसरा मिथ है कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये जरा भी सच नहीं है कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तीसरा मिथ है कि ब्रेन में कुछ कमी रह गई है, कोई वायरिंग खराब हो गई है जिसके कारण ये आता है, ये भी गलत है। ये बेसिकली माइंड की बात है, ये बेसिकली ये सोच की बीमारी है। जो आदमी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, ज़्यादा अनसर्टेनिटी में अनसर्टेनिटी से डरता है या जो ज़्यादा टेंशन लेता है और जिसको ज़्यादा घबराहट होती है उसी को ये बीमारी आती है। तो बेसिकली ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिसऑर्डर है। कभी कभी लाइफ में, पास्ट लाइफ में, बचपन में कभी कोई ख़राब एक्सपीरियंस हो जाते हैं, वो बात दिमाग में बैठ जाती है, जैसे एक्सीडेंट में किसी का डेथ होना, कि सांप को किसी का काट जाना, ऐसे दिमाग के बाद बैठ जाती है और आदमी वो दिमाग से बाहर बात निकलता नहीं है और ज़िंदगी भर उससे डर के जीता है। अब बात करते हैं क्या तरह के लोग हैं जिसको ये फोबिया का बीमारी जल्दी आ सकता है। पहला है एज। बचपन में किसी को अगर डरा के रखा है, किसी को धमका के रखा है, तो चांसेस ज़्यादा है कि बड़े होने के बाद में उसको कोई ना कोई चीज़ का फोबिया हो जावे। दूसरा है कि अगर आपके रिलेटिव्स, कोई नज़दीकी रिलेटिव जिस पे आपका बहुत भरोसा है, जैसे कि पेरेंट्स है, अगर उनको कोई चीज़ का फोबिया है तो उसको आप देखते रहते हो कि वो क्या चीज़ से डरते हैं, क्या चीज़ से डरते हैं, वो डर आपके अंदर बैठ जाता है। तीसरा है आपका टेम्परामेंट क्या है, आप कितने नेगेटिव हो, कितने सेंसिटिव हो, कितने अपने आप को बचाने का आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, आपका गोल रहता है, जितना ज़्यादा ये रहेगा उतना ज़्यादा रिस्क आपको रहेगा ये फोबिया के आने का। नेक्स्ट है कि अगर आपको लाइफ में कोई नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं
जो कि बहुत ही भयानक थे और आप उसको भूल सकते नहीं हो, किससे डिस्कस करना भी नहीं चाहते हो, तो ये आपको ये रिस्क रहेगा फोबिया का। अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मर्डर का, चोरी का, डकैती का, मौत का, अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हो तो भी चांसेस है कि आपको, आप फोबिया की विक्टिम रहोगे। अब बात करते हैं कि क्या साइन एंड सिम्टम्स है अगर कोई आपको कोई इंसान में दिखते हैं या अपने आप में ऐसे कोई भी सिम्टम आपको है तो इसका मतलब समझना चाहिए कि आप फोबिया से ग्रिप्ड हो और आपके इसके ट्रीटमेंट किया आना चाहिए। अगर आपकी एंग्जाइटी अनकंट्रोल्ड है और उसके आपके बॉडी में सेंसेशन आपको बहुत ख़राब सेंसेशन आते हैं तो ये पहला सिम्टम है कि आप फोबिया की विक्टिम हो। अगर आपके हाथों में पसीने आते हैं, पैरों में पसीने आते हैं, अगर आपकी सांस से लेने का, आप सांस अगर ठीक तरह से नहीं लेते हो, बहुत ज़्यादा फास्ट लेते हो, अगर आपकी दिल की धड़कन बहुत ज़ोर से चलती है, आपके चेस्ट में पेन होता है, आपके पेट में गुदगुदी होती है, आपको नौसिया होता है, ड्राई माउथ, आपका मुंह सूखता है, आपको डिजीनेस आता है, चक्कर आता है, आपको हेडेक होता है, आपका अगर दम घुटता है, आपके शरीर में ऐसे सेंसेशन आते हैं कि आपको समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है मेरी बॉडी में। अब बात करते हैं अगर आपको फोबिया है तो आपके लाइफ में क्या क्या परेशानी होगी और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। पहला है कि आप लोगों से दूर हो जाओगे, लोगों की कंपनी आपको अच्छी लगेगी नहीं, लोगों को आपकी कंपनी अच्छी लगेगी नहीं और काफ़ी अकेला महसूस करोगे आप। आपके मूड डिसऑर्डर रहेंगे, आपकी मूड स्विंग रहेंगे, कभी आप खुश रहोगे, कभी आप दुखी हो जाओगे, कभी डिप्रेस हो जाओगे और काफ़ी बेचैनी रहेगी। ऐसे लोग ज़्यादातर ड्रग्स में, अल्कोहल में, सब्सटेंस अब्यूज में जाते हैं। आपका गुस्सा आप ही के बाहर हो जाएगा और आप पागलों की तरह बिहेव भी कर सकते हो। आपकी मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब रहेगी, आपके कामकाज करने में भी डिस्टर्बेंस रहेगा, आपकी लाइफ स्मूथ रहेगी नहीं, आपका जॉब अनसर्टेन रहेगा, आपको सुसाइडल थॉट आएंगे और बेसिकली लाइफ आपकी ख़राब रहेगी क्योंकि आपका एक पॉइंट ट्रिगर है कि अपने आप को कैसे बचाऊं। जो आदमी पूरे दिन सोचता है अपने आप को कैसे बचाऊं, वो जिएगा कभी? मैं आपको जीना सिखाऊंगा, मैं आपको इससे बाहर निकलने का तरीका दूंगा और मेरे तरीके में बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगा, आपकी अंदर की शक्ति जगाऊंगा और आप जो ज़्यादा सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो और हर छोटी छोटी चीज़ से डरते हो, इससे मैं आपको बाहर निकालूंगा। और अब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और अब आपको ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, जितने जल्दी आओगे उतना जल्दी रिलीफ मिलेगा। और मैं एक बार फिर बोल दूँ, ये बीमारी 100% ठीक होती है मिनिमम 10 दिन में और मैक्सिमम 1 मंथ में।